जय श्री राम सभी भक्तों को, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जो आज का जो टॉपिक है वो है भाई चंद्र ग्रहण को लेके, कि चंद्र ग्रहण कब है, किस दिन लगने जा रहा है और हम इस पर किस किस चीज़ की सावधानी रख सकते हैं, कौन सा मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, कौन सा मंत्र सिद्ध नहीं कर सकते। तो आज सारी इसी टॉपिक पे बात करूंगा मैं, और इसी टॉपिक पे आपको समझाने जा रहा हूँ। तो लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए, और करते हैं वीडियो का शुभारंभ। जैसा कि आप सभी जानते हो, इस बारी कार्तिक मास की अमावस्या को है जो सूर्य ग्रहण लगा था, और इसके 15 दिन के बाद कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। आप सभी को पता है कि सूर्य ग्रहण के 15 दिन बाद जो भी पहली पूर्णिमा आती है उस पर चंद्र ग्रहण लगता ही लगता है। ये चंद्र ग्रहण जो है भाई स्टार्ट हो रहा है जो 5:29 से लेके 6:19 तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा, और इसके 9 घंटे पहले तक आपका सूतक काल मान्य हो जाएगा। पहले की जो इन्फॉर्मेशन थी, जो मैं न्यूज़ें देख रहा सारी चीज़ देख रहा था, तो उसमें ये बताया जा रहा था कि जो चंद्र ग्रहण है वो इस बारी भारत में दिखाई नहीं देगा, भारत के कुछ ही हिस्सों में दिखाई देगा। उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, जो कोलकाता असम वगैरह साइड ही दिखाई देगा। पर अभी की जो रिपोर्ट आ रही है, जी बिजनेस की जो रिपोर्ट है, मैं सारी स्टडी करके ही आपके सामने वीडियो लेके आता हूँ। ऐसे नहीं कि मैंने आपसे कोई भी बात बता दिया सारी चीज़ का वो कर दिया। अब की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि पूरा अजमेर, भारत, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली, अगर रायपुर, हरियाणा और आपका कुछ उत्तर भारत में भी ये चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। तो भैया हमें सावधानियां क्या रखनी है, जो चंद्र ग्रहण होगा वो आपके 9 घंटे पहले ही सूतक काल इसका स्टार्ट हो जाएगा। जो आपको अपनी पूजा पाठ करनी है सारी चीज़ करनी है, तो चंद्र ग्रहण वाले दिन आप अपना पूजा पाठ वगैरह सारी चीज़ 6 से 6:30 बजे के बीच में आप निपटा लीजिए मॉर्निंग में, और उसके बाद अपने मंदिर के कपाट बंद कर दीजिए, जिससे मंदिर के अंदर कोई भी रोशनी वगैरह ना जा सके। पहली बात तो ये, और मंत्र सिद्ध की बात मैं इसी वीडियो में आपको करूँगा, सारी चीज़ बताऊँगा, उसके बाद ही आपको सारी आपको बता सकता हूँ अब क्या करो क्या नहीं। पहले स्टार्टिंग से आपको वीडियो पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। गर्भवती महिलाएं हैं जो, वो अपना खासकर ध्यान रखें, वो सोना नहीं है उनको बिल्कुल भी। और आपका जो तुलसा के पत्ते होते हैं वो एक दिन पहले तोड़ के आप रख लीजिए, और आपकी जाड़े वाली जड़ें होती है ना, जो आपने देखा हो एक घास आती है जिससे उंगलियां कट जाती है, वो आपको रोड साइड कहीं भी मिल जाएगी, तो वो जरूर ला के रख लीजिए, जिससे चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके घर पे ना हो। खाने पीने की चीज़ों में रख दीजिए, अपने मंदिर में उसको रख दीजिए, और गर्भवती महिला अपने पेट के ऊपर उसको रख लीजिए। और जिसके न्यू बेबी बॉर्न है, जिनके नए नए बच्चे हैं, वो भी एक बच्चे के पास अपना ये तुलसा के बच्चे और जाड़े ला के रख दीजिएगा। उस समय ना तो आपको कोई पानी का ग्रहण करना है, 45 मिनट का कुछ समथिंग है चंद्र ग्रहण चलेगा, ना तो आपको जल ग्रहण करना, ना और कुछ करना, ना आपको सोना, ना कुछ खाना, ना कुछ पीना है। इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। जैसे आपका चंद्र ग्रहण खत्म होगा वैसे ही आप अपना कुछ भी खा पी सकते हो पूरे घर में। उसके बाद आपको करना क्या, गंगा जल का छिट्टा देना है, दूध का, गाय का दूध आपको मिल जाए तो गाय का दूध और अच्छा होगा, गाय का दूध और गंगा जल को मिक्स करके पूरे घर में उसका छिड़काव करना है, जिससे जितने भी नकारात्मक ऊर्जा थोड़ी बहुत आपके घर में आई होगी वो सारी का अंत हो जाएगा, मतलब बाहर हो जाएगी। क्योंकि इस समय क्या होता है, चंद्र ग्रहण पे नकारात्मक ऊर्जा जितनी होती है वो एक्टिव हो जाती है, जो हमारी पॉजिटिव वाइब्स होती है, हमारे सारी चीज़ होती है देवी देवता, वो चंद्र ग्रहण में सामने नहीं आते। इस दिन देव दिवाली भी पड़ रही है। अब देव दिवाली क्या होती है वो आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा। एक दिवाली हमारी ये होती है, एक देवों की होती है, भगवानों की दिवाली होती है, उस दिन देव दिवाली भी बनाई जा रही है। पर देव दिवाली चंद्र ग्रहण होने के कारण, जैसे हमारी 25 तारीख को सूर्य ग्रहण था और हमारी दिवाली 24 तारीख को मनाई गई थी, उसी तरीके से देव दिवाली होने के कारण 8 तारीख को, तो दिवाली 7 तारीख को मनाई जा रही है। अब बात करते हैं भाई जी, आप कौन से मंत्र सिद्ध कर सकते हो कौन से नहीं। भाई जी सबसे पहली बात है, क्योंकि इसका जो प्रभाव है चंद्र ग्रहण का वो इस बारी शून्य है। कई जगह ये भी रिपोर्ट आ रही है कि इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा, और कई जगह ये कहा जा रहा है कि इसका सूतक काल मान्य होगा। ये ज्योतिषी की बात है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, जो किसी भी चीज़ का वो है वो ज्योतिषी बता सकते हैं। हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लेके चलते हैं। भाई देखो, लक के ऊपर इस बारी आपका कोई भी आप कोई भी मंत्र सिद्ध करोगे वो अपने लक के ऊपर करोगे, क्योंकि ये बात 101% कोई भी अभी टीवी चैनल हो गया या कोई भी आपका ज्योतिष हो गया कुछ भी, और सबकी अलग अलग रिपोर्ट आ रही है, सबकी अलग अलग मान्य हो रही है। नासा की रिपोर्ट कुछ और आ रही है, और आपका इंडो की रिपोर्ट कुछ और है, मतलब सभी जगह अलग अलग रिपोर्टें, अलग अलग रिपोर्टें आपके सामने आ रही है। हर जितने भी आप टीवी चैनलों की देखोगे उसकी अलग रिपोर्ट है। तो एक सटीक जो कहते हैं ना, सटीक चीज़ मैं आपको बता सकूँ, ऐसा कोई नहीं बताया। आपको कोई भी चैनल देखोगे आपको गलत इन्फॉर्मेशन में लेके चला जाएगा, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे देगा सारी चीज़ की, आपको गलत वो कर देगा, मिसगाइड कर देगा, पर एक सटीक जानकारी आपको कोई नहीं दे पाएगा कोई भी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी क्लियर करने जा रहा हूँ, स्ट्रिक सारी चीज़ का वो करके। तो भाई देखो, जो आपका चंद्र ग्रहण शुरू होगा वो मैंने बता दिया था, 5:29 पे होगा। अगर आप कोई भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हो तो आपको 5:10 या 5:15 तक अपना स्थान ग्रहण कर लेना है।
सावधानियां क्या रखनी है मंदिर के अंदर, जिस मंदिर में आप पूजा पाठ करते हो, सारी चीज करते हो, उस मंदिर में आपको जाके अपना मंत्र सिद्ध नहीं करना है। उस मंदिर के कपाट बंद होंगे, किसी दूसरे अन्य कमरे में, सेकंड कमरे में आपका बेडरूम है कुछ भी हो, उसमें पूरे पहले चंद्र ग्रहण स्टार्ट होने पहले गंगा जल दूध का छीटा देना है, उसको शुद्ध कर लेना है। शुद्ध करने के बाद अपना एक आसन लेना, उस आसन पर आपको विराजमान होना है। विराजमान होने के बाद आपको पूरे जितने भी आपके घर में मेंबर है, मतलब उस कमरे में कोई नहीं आना चाहिए और आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, एक साउंड की भी आवाज़ आपके कानों में नहीं आनी चाहिए। आपको अपने डोर बंद कर लेने हैं, जिसके कमरे में बैठोगे आप आधा घंटा एक घंटा जो चंद्र ग्रहण चलेगा उसको निरंतर आपको जाप करना, विदाउट माला जाप करना। अगर आप चंद्र ग्रहण में अपनी माला को आप लेके चंद्र ग्रहण में आप आते हो तो ये बात कोई नहीं बताएगा, आपकी माला अशुद्ध हो जाएगी, उसको अगेन आपको शुद्ध करना होगा। कोई भी आप रुद्राक्ष माला लेके आते हो, कुछ भी लेके आते हो, आप उससे जाप करना स्टार्ट कर देते हो तो वो जाप का फल आपको नहीं मिलता जब तक उस माला को हम शुद्ध नहीं कर लेते। तो इस बात का ध्यान रखना, माला को शुद्ध करके जाप करना जरूरी होता है। और आपने जितना, अगर आपकी माला अशुद्ध हो गई, जितना आपने पहले अगर वो शुद्ध कराई है, शुद्ध करी होगी, तो जितना आपने जाप किया होगा वो सारा आपका बेकार हो जाएगा। तो आपको विदाउट माला का जाप करना, जितने ज़्यादा मात्रा में आपसे मंत्र जाप किया जाए उतने ज़्यादा माला में आपको, मतलब हाथों से अपना बिना काउंट किए आपको जाप करना। उसमें ये नहीं देखना आपने एक माला निकाली, दो माला निकाली, दस माला निकाली, पंद्रह माला निकाली, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। आप निरंतर जाप करना है, जब तक चंद्र ग्रहण चलेगा आपको कंटिन्यू जाप करते रहना है। देखो, इस चंद्र ग्रहण पे सारा जाप आपका, सारी मेहनत आपके लक के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि भाई इस चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी, सटीक भविष्यवाणी कोई नहीं कर रहा है। पहले की इन्फॉर्मेशन ये आ रही थी कि चंद्र ग्रहण इंडिया में दिखाई तो देगा, पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान इस साइड दिखाई नहीं देगा और नहीं हुआ। अब की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें एक आ जा रहा है कि दिल्ली साइड दिखाई देगा, पर इसका सूतककाल मान्य नहीं होगा। कई जगह रिपोर्टर, कई जगह ये आ रही है कि भाई इसका सूतककाल भी मान्य होगा, चंद्र ग्रहण भी दिखाई देगा। तो हम एक सटीक चीज़ मैं आपको बता सकूँ, अब लोग बाग उन्होंने क्या है, पहले तो चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ा नहीं, कुछ वो नहीं किया, और फिर अलग अलग अपने ठाके भाई ये ग्रहण कर लो, आप ये कर लो, ये कर लो, आपका सारी चीज़ हो जाएगी। और फिर बाद में लोग बागों को उसका फल नहीं मिलता तो लोग बाग कहते हैं यार मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया, मुझे तो ये हो गया, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो भाई इस बार भी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ एक स्टिक में बता दिया कि इस बार आपका जो आप मंत्र जाप करोगे उसको सिद्ध करोगे वो एक लक के ऊपर डिपेंड करेगा आपका। अगर लक होगा, इन्फॉर्मेशन ठीक रही तो आपका कामयाब है। इसके बाद जैसे ही चंद्र ग्रहण आपका समाप्त होगा वैसे ही आपको अपने पूरे घर में गंगा जल दूध का छीटा देना, छिड़काव करना है, और जितने भी आपका तुलसा वगैरह सारी चीज़ पत्ते रख रखे तो वो एक चीज़ में लेके अगले दिन या उसी दिन आप जल प्रवाह कर सकते हो चलते पानी में। अगर आप आपके पास के कोई नहर हो, नदी हो, कुछ भी, उसमें आप जल प्रवाह कर सकते हो, या फिर आप अगले दिन उनको जल प्रवाह करके आ सकते हो। गर्भवती महिला को कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है। किस मंत्र का हम जाप कर सकते हैं चंद्र ग्रहण पर, किस नहीं, आप किसी भी मंत्र का जाप कर लो, किसी भी मंत्र का जाप कर लो, आपका मंत्र सिद्ध होगा अगर चंद्र ग्रहण में ताकत होगी तो, अगर दिखाई देगा तो। इस बार अगर नहीं दिखाई देगा तो आप किसी भी मंत्र का जाप कर लो, सिद्ध नहीं होगा। लोग बागों को ये भी कहते हैं कि भाई चंद्र ग्रहण पे आप हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लो, तो भाई हनुमान चालीसा चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पे सिद्ध नहीं हो सकती, ये चीज़ का भी ध्यान रखना। आप कई वीडियो बनाते हैं कि भाई इस मंत्र को सिद्ध कर लो, इस मंत्र को सिद्ध कर लो, इस मंत्र पे आप खाली साबर मंत्र ही सिद्ध करो तो आपके लिए फायदा, क्योंकि साबर मंत्र सबसे पहले सिद्ध होने वाले मंत्र होते हैं। नॉर्मल मंत्र आप ले लो, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, जो नए साधक हैं उनके लिए बता रहा हूँ, या ओम नमः शिवाय, ओम हनुमते नमः, ये छोटे मंत्र हैं, इनको आप सिद्ध करो। इनकी सिद्ध करने की आपको ताकत ही अलग पता लगेगा कि क्या क्या नहीं। अभी आप चले जाओ किसी भी तांत्रिक मंत्र पे चले जाओ, या गुरु मंत्र पे चले जाओ, या आप किसी भी मंत्र, गुरु मंत्र भी भाई चंद्र ग्रहण पे बहुत इतनी पावर नहीं बढ़ती जो आपको निरंतर जाप करने से बढ़ते हो, सिद्ध हो जाता है, पर वो पावर हमें नहीं मिल पाती जो हमें चाहिए होती है। अब जैसे कि हम ओम हनुमते नमः मंत्र को सिद्ध करते हैं, या ओम श्री भगवते वासुदेवाय मंत्र को सिद्ध करते हैं, तो इसमें होता क्या भाई, ये मंत्र छोटे होते हैं, आप ज़्यादा मात्रा में इसका जाप कर पाते हो। इसकी पावर जो हमारे शरीर में एक पावर होनी चाहिए ना, मंत्र कब काम करता है मैं बताता हूँ। आप एक पानी की बोतल रखी, उस पानी की बोतल को आप भर रहे हो, भर रहे हो, भर रहे हो, भर रहे हो, जब तक वो पूरा नहीं भरी जाएगी, वो आपके शरीर से, मतलब बोतल से बाहर निकलने स्टार्ट तो नहीं होगी ना जब तक उसको पूरा नहीं भर लेंगे। वैसे ही मंत्र की शक्ति होती है, जब तक आप मंत्र का जाप करते रहते हो जब तक वो आपके शरीर में जम नहीं जाता, पूरी तरह से फुल नहीं हो जाता, आपका एक क्वांटिटी नहीं हो जाती। एक मंत्र कोई भी जाप होगा, मंत्र का जाप होता क्या कि भाई देखो, जैसे ओम नमः शिवाय है, पांच अक्षरों का मंत्र है, ओम नमः शिवाय है, जो इसके अंदर पांच अक्षर है, तो 500,000 जाप पे ही ये सिद्ध होता है। अगर आप बिना चंद्र ग्रहण, बिना उसके करते हो, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः हो गया, 8 या 9 अक्षरों का नंबर, ये वैसे ही 800,000 पे सिद्ध होता है। हर मंत्र का अलग अलग वो होता है, क्या आपको जाप करना चाहिए, कितना जाप करना चाहिए, कितना, हर मंत्र के हिसाब से उसका अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग सारी चीज़ों का वो डिपेंड करता है। तो यही सारी चीज़ भाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ, छोटे मंत्र को सिद्ध करो। अभी आप लग जाओगे कि भाई जी मुझे तो बाबा किसी को भूत प्रेत को मार गिरने का मंत्र करना है, या भाई की घर को भूत प्रेत से भगाने का मंत्र का जाप करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो ये चीज़ अभी छोड़ दो भाई, अपने साधक को तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, अभी इन चीज़ों पर ध्यान ना दो। आप खाली अब नॉर्मल मंत्रों का जाप करो, जिससे आपके काम धंधा, बिजनेस वगैरह, हमारी वीडियो देखते समय पर है ना, सब ये बता देते ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, कोई ये नहीं बताएगा भाई मुझे अपना काम धंधा करना है, मैं क्या करूँ।
मैं किस मंत्र का जाप करूं, या भाई मुझे अपना बिजनेस में लॉस हो रहा है, या भाई मेरे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मैं क्या करूं। तो ये सारी चीज़ों का ज्ञान लो भाई जी, सारी चीज़ों का वो करो, मत चीज़ें वे देखो जो आपके काम की हो। अब हर कोई भक्ति लाइन में आ रहा है, भक्ति लाइन को बिजनेस बना दिया, ये कर लो वो कर लो। मैंने चैनलों के सब्सक्राइबर देखे, 10-10, 15-15 लाख सब्सक्राइबर हो रखे हैं। ज्ञान की बात कुछ नहीं है उसमें भाई, चंद्र ग्रहण आ रहा है, इस मंत्र का जाप कर लो भाई, ठीक है। भक्ति में लाइन अपन सुनान्ति है, सारी चीज़ों से जुड़ के चलने वाले, पर जो इन्फॉर्मेशन हो, जो जो बच्चों के काम है, आपकी वीडियो देखते हैं। अब मेरी वीडियो चैनल पर आप 10 तरह के बंदे आते हैं, 10 तरह के आप देखते हो, तो भाई जी कोई भी आप भैरव देव आएगा ना, जो स्टडी से जुड़े रखे आपका वो है, कुछ भी आपका वो है, मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो बटुक भैरवनाथ जी का कोई भी मंत्र आप ले लो, जो छोटा मंत्र लीजिए जी, उसका जाप कर लीजिए आप, पढ़ाई में मन लगना अपना अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। किसी का काम धंधा बंद पड़ा, सारी चीज़ का बंद पड़ा, वो लक्ष्मी माता का मंत्र ले लीजिए, जगजीत जी का मंत्र ले लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लीजिए भाई। छोटे छोटे मंत्र हैं, आप अपने साथ इनको सिद्ध कर सकते हो। सबसे बड़ा मंत्र ओम हनुमते नमः को आप सिद्ध कर लीजिए, ओम श्री नव दुर्गा को सिद्ध कर लीजिए। ये ऐसे मंत्र है जिसको आप आसानी से सिद्ध कर सकते हो, और आपके इसका मंत्र का प्रभाव आपके जीवन में अपने आप ही आपको पता लग जाएगा, आपका काम धंधा जो रुका हुआ बनना स्टार्ट हो जाएगा। हर मंत्र का ताकत होती है वही होती है, नाम लेने का तरीका अलग अलग होता है, मंत्र का यूज करना। आप ओम नमः हनुमते नमः है, आपको ये चाहिए कि हनुमान जी मेरा कोई काम बना दो, और आपने ओम हनुमते वासु अपने ओम हनुमते नमः मंत्र को सिद्ध कर रखा है, तो आपने प्रार्थना को स्वीकार करिए, 10 रुपये की अर्जी, 20 रुपये की अर्जी लीजिए, हनुमान जी के सामने लगाइए, उनका भोग प्रसाद लीजिए, और उस मंत्र को आप 10 बार 11 बार आपने जितने बार भी 11 बार उसको बोलिए, और आपकी अर्जी वैसे स्वीकार हो जाएगी भाई, आपने जाप कर रखा, सारी चीज़ का होकर रखा है। अब आपको मंत्र बता दिया जाता है इतना बड़ा, उसको पढ़ने में आपको दिक्कत, बोलने में आपको दिक्कत, सारी चीज़ों का दिक्कत, ये बातें कोई नहीं बताता, अंदर ही बात होती है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखो। वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, आने वाली वीडियो को लिए कमेंट करके जाना भाई जी। जय श्री राम, जय माता दी, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अब डेली की वीडियो अपलोड हुआ करेगी, पहले की तरह होती थी, पहले एक होती थी, अब 2 या 3 वीडियो में डेली की अपलोड किया करूँगा। बस आपके साथ की जरूरत है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।